ट्रायंगुलर प्रिज्म का होता है जो लास्ट में बना है, क्योंकि बेटा वो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जब बनता है देखिए, एक जो इस तरीके का, मतलब आपको जो फ्रंट शेप चाहिए ऐसा, वो किस में बनता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में बनता है। क्यों बनता है? देखो ऑप्शन डी इस तरीके से बेटा, ए जैसे इधर ट्रायंगल है और ए नीचे ट्रायंगल है, अब ए इससे ज्वाइन है, ए इससे ज्वाइन, देखो ये बन गया साइड में, ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया साइड में, है ना, साइड इधर भी ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल टाइप का साइड व्यू बन जाता है। अच्छा, 10th वाला देखिए बेटा, 10th हाँ, मतलब इसी में बनेगा, बाकी जो फिगर है उसमें नहीं बनेंगे ऐसे रेक्टेंगल। साइड व्यू, साइड से हमें रेक्टेंगल दिखना चाहिए, साइड से पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, समझ गए ना? जहां हम इधर, हाँ, आगे आगे नेक्स्ट। बेटा मुझे हमें ये बताइए, पेंटागोनल जो प्रिज्म होता है उसमें जितनी एजेस चाहिए पड़ेंगी उतनी स्ट्रॉ चाहिए पड़ेंगी, क्योंकि स्ट्रॉ ही से वो साइड बना रही होगी ऐसे। फाइव साइड का ऊपर बनेगा और फाइव साइड का नीचे, बनेगा फिर ये ऐसे ज्वाइन होता है बेटा। ये देखो ऊपर कितनी साइड चाहिए पड़ी, 1 2 3 4 5 स्ट्रॉ ऊपर, 5 स्ट्रॉ नीचे चाहिए पड़े। अब देखिए ये 2 5 10 और 11 12, 12 स्ट्रॉ हो गए, ये 13 स्ट्रॉ, ये 14 स्ट्रॉ और ये 15 स्ट्रॉ, कितने स्ट्रॉ चाहिए पड़ेंगे? 15, 15 स्ट्रॉ वी नीड टू मेक अ पेंटागोनल प्रिज्म। तो क्या लिखते हैं हम क्वेश्चन 10 का? नंबर ऑफ स्ट्रॉ इक्वल टू, हाँ, लेकिन चाहिए तो हमको देखो इधर बना है, अगर आपको देखना चाहें तो आपको पेज नंबर 209 के फोर्थ नंबर पे बना है, फोर्थ नंबर का फिगर बना है, वो है पेंटागोनल प्रिज्म, दिख रहा है? वो पेंटागोनल प्रिज्म है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉ, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस, जितनी एजेस होंगी उतनी तो स्ट्रॉ चाहिए पड़ेंगे ना, समझ रहे ना? जितनी एजेस होंगी उतने ही स्ट्रॉ चाहिए पड़ेंगे। तो एजेस इसकी 15 होती है, कैसे होती है? 5 ऊपर 5 नीचे और 5 कनेक्टेड होती है, 5 कैसी होती है? कनेक्ट करने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या लिखा है। बेटा हेक्सागोनल पिरामिड में देखो, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 कितने ट्रायंगल होते हैं बेटा? आपको मैं हेक्सागोनल अगर बेटा आपको मैं हेक्सागोनल पिरामिड बता रहा हूं कहां पर बना है, क्वेश्चन नंबर 8th के थर्ड वाले पे बना है, कहां? हाँ, पेज नहीं, पेज नंबर 208 के
क्वेश्चन 8 के थर्ड वाले में बना है, कहां पर बना है? क्वेश्चन 8 के थर्ड वाले में दिख रहा है बेटा क्वेश्चन 8। तो बेटा एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, बनेगा एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, एक ट्राइंगल ऐसा बनेगा, एक ट्राइंगल ऐसा और एक ट्राइंगल। बेटा ये नेट स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है नेट। नेट स्ट्रक्चर माने जो जिसको हम फ्लैट सरफेस पे बना सके। नेट स्ट्रक्चर माने जिसको हम फ्लैट सरफेस पे बना सके। अब देखिए बेटा ये जब सारी ये जो टिप है, ये जो टिप दिख रहे हो ना बेटा ट्राइंगल की, हेलो वो टिप को ज्वाइन कर दोगे तो ऊपर एक कोना बन जाएगा। उन सारी टिप को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसा एक कोना बन जाएगा, एक कोना। और नीचे का बेस क्या रहेगा? हेक्सागोन। नीचे का बेस क्या रहेगा? ऐसा बनेगा बेटा, देखो नीचे का बेस रहेगा हेक्सागोन और ये सारे इधर ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। है ना, ऐसे ज्वाइन होंगे। तो बेटा टोटल अगल बगल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 6 ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो इधर ऐसे लिखना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म इन इन नेट ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड इज कितने? 6। कितने बनेंगे बेटा? 6 बनेंगे। चैप्टर असेसमेंट करें अब हम लोग। प्लेन द ब्लैंक्स, कितने ब्लैंक्स हैं? 5 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, रीड द फर्स्ट वन। द पार्ट ऑफ अ सॉलिड शेप वेयर थ्री फेसेस मीट। बेटा उस पार्ट को क्या बोलते हैं जहां पर तीन फेस मिलते हैं? उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स नहीं बोलते हैं। देखो जहां पर जैसे जहां पर सॉलिड शेप की बेटा तीन फेस मिलते हैं, एक ए वाला फेस, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, तीन फेस मिल रहा है, वो जगह क्या कहलाती है? वर्टेक्स कहलाती है कि नहीं? आगे पढ़िए नेक्स्ट वाला। बेटा पिरामिड का नाम उसके बेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगर उसका बेस ट्राइंगल है तो हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड। अगर उसका बेस स्क्वायर है तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। अगर उसका बेस रेक्टेंगल है तो हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। पेंटागोन है तो पेंटागोनल पिरामिड। हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल पिरामिड, है ना। तो उसका बेस जैसा होता है हम वैसे ही उसका नाम देते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर था वर्टेक्स, उसी तरीके से सेकंड वाले का आंसर है बेस। थर्ड वाला पढ़िए। ऑक्टाहेड्रॉन हैज, बेटा ऑक्टा मींस, ऑक्टा मींस क्या होता है? 8 होता है ना, 8 होता है। तो ऑक्टाहेड्रॉन में कितने फेसेस होते हैं? 8 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 8 फेसेस। ऑक्टा है, आगे लिखिए अ पिरामिड हैज 9 फेसेस। ऐसा पिरामिड जिसमें 9 फेसेस हो तो हम लोग उसमें वर्टेक्स कितने होंगे? बेटा मैंने आपको बताया था कि पिरामिड में जितने फेसेस होते हैं उतने ही वर्टेक्स होते हैं, बताया था क्या? नहीं,
बोलो बताया था कि नहीं? हाँ, तो नाइन फेसेस ही होंगे उसमें और नाइन वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, ट्राइंगुलर प्रिज्म का टॉप। बेटा ट्राइंगुलर प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें ऊपर भी ट्राइंगल नीचे भी ट्राइंगल। बेटा इसका टॉप व्यू कैसा दिख रहा है? ट्राइंगल दिख रहा है ना, ऊपर का जो व्यू है वो क्या दिखेगा? ट्राइंगल दिखेगा। हाँ, तो क्या लिखेंगे? ट्राइंगल। आगे पढ़िए। एक मिनट, सेकेंड का है ट्रू फॉल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अच्छा बेटा, ऑल व्यूज ऑफ स्पेयर आर द सेम। हाँ, मतलब स्पेयर के सारे व्यू सेम ही तो होते हैं। स्पेयर कैसे भी देख लो, ऐसे देख लो, वैसे देख लो, कहीं से भी देख लो, दिखेगा तो वो गोली, समझ रहे ना? ट्रू हो जाएगा। हाँ, आगे, द नेट ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड हैज थ्री। बेटा अभी यार हमने बनाया था नेट, हेक्सागोनल अच्छा हेक्सागोनल पिरामिड बोला है ना, अभी हमने हेक्सागोनल पिरामिड का नेट बनाया था। कितने ट्राइंगल थे जल्दी बताओ? सिक्स ट्राइंगल थे ना। अभी अभी मैंने हेक्सागोनल पिरामिड का तो, लेकिन इसने बोल दिया थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हेक्सागोनल पिरामिड में क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? अच्छा, ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने फेस होते हैं? बेटा देखो, हाँ वेरी गुड, देखो मैं बताऊं, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। अब बेटा तीन फेस इनके साइडों से बनेंगे। देखो, एक फेस ए बना, एक फेस ए बना, एक फेस, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक पीछे है। एक कहाँ होगा? पीछे होगा, वो हमें दिखेगा नहीं बेटा। हाँ, थर्ड वाला क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि फाइव फेसेस ही होते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म में। कौन हैज टू सर्कुलर फेसेस? कौन के दो सर्कुलर फेसेस होते? बहुत कितने होते हैं सर्कुलर फेसेस कोन में, जल्दी बताइए। वन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। वन कर्व्ड फेस होता है उसमें और वन फ्लैट फेस होता है। नीचे वाला फ्लैट होता है, देखो कोन में बना के दिखाऊं, ऐसा होता है। ये जो है, ये कौन सा फेस रहता है? फ्लैट, नीचे फ्लैट है ना, और ए वाला कैसा है? कर्व्ड, घुमादार, ऐसे घुमादार है ना। तो बेटा कैसा हो जाएगा? फॉल्स। आगे, क्यूबाइड प्रिज्म कैसे हो सकता है? फॉल्स। नहीं, क्यूबाइड प्रिज्म होगा ना बेटा। देखो मैं बता रहा हूं, मैंने एक स्क्वायर ऊपर बनाया, एक स्क्वायर नीचे बनाया, दोनों को ज्वाइन किया, तो ये प्रकार का ये प्रिज्म ही तो है ना बेटा। ए इसको अगर सही तरीके से बनाए तो ऐसा बनता है, देखो ऐसा ऐसा। बेटा हमने क्या किया, इस क्यूबाइड को देखो, ऊपर जो फेस है और नीचे जो फेस है सेम है ना। ऊपर नीचे का फेस देखो, ए ऊपर का फेस, ए नीचे का फेस। दो, आप अपना घर का कमरा देखो, आप अपने घर का कमरा देखो, क्या ऊपर का जो फेस
रूफ है और नीचे की जो फ्लोर है दोनों सेम है कि नहीं है? और बेटा अगल बगल क्या है? दीवारें है ना, तो ये क्या होगा बेटा? एक 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 स्क्वायर क्यूबाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है ना, समझ रहे ना? क्यूबाइड क्या होता है? एक रेक्टेंगल, क्योंकि ऊपर भी एक रेक्टेंगल होता है, नीचे भी रेक्टेंगल होता है और अगल बगल भी रेक्टेंगल से घिरा होता है। अच्छा आगे नेक्स्ट। द कॉमन नेम ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म इज, स्क्वायर प्रिज्म का कॉम, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? बी क्यू। आगे बताइए फोर्थ का। हाँ एक एक मिनट बेटा। हाँ रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड में देखो बेटा, ए वन फेस इधर हो गया और फोर फेस इधर होंगे है ना, तो कितने हो गए? फाइव फेस। हाँ, क्या लिख देंगे फोर्थ वाले का? सी। फाइव। आगे हेक्सागोनल प्रिज्म में कितनी एजेस होती है? ये हेक्सागोनल है, देखो ए बेटा सिक्स एजेस यहां हो गई और सिक्स यहां हो गई, टोटल कितनी हो गई? ट्वेल्व चाहिए पड़ेंगे इनको ज्वाइन करने के लिए। ट्वेल्व एजेस क्या चाहिए पड़ेंगे इनको ज्वाइन करने के लिए, समझ गए ना? सिक्स और हो गई तो अब कितनी एजेस हो गई टोटल? 18, समझ गए ना? फिफ्थ का बी 18, सिक्स वाला हाँ बेटा, इस सॉलिड फिगर जिसमें केवल एक ही वर्टेक्स होता है। कौन कौन में होता है बेटा? क्यूब में तो एट वर्टेक्स होते हैं, एट है ना, कोन में होता है। देखो कोन ऐसी होती ना, इधर एक ही वर्टेक्स तो है, बोलो होता है कि नहीं? हाँ तो क्या लिख देंगे? सी कोन। आगे सेवेंथ वाला। हाँ दर बेटा देखो फॉर्मूला क्या होता है, आयलर्स फॉर्मूला क्या होता है? आयलर्स फॉर्मूला ऐसे लगा दे, आयलर्स फॉर्मूला क्या होता है? एजेस प्लस टू इक्वल टू फेस प्लस वर्टेक्स। तो बेटा एजेस प्लस टू, फेस कितनी है? सेवन प्लस टेन कितना आ जाएगा? सेवनटीन। ए टू इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? सेवनटीन माइनस टू 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? तो मैं बता दे रहा हूं, जो फर्स्ट वाला है वो बना है आपका पेंटागोनल पिरामिड है। क्या है? पेंटागोनल पिरामिड।
अब इधर पेंटागोनल पिरामिड कहाँ दिख रहा है जिसका बेस पेंटागोन हो, जिसका बेस बी, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी दिख रहा है जिसका सेकेंड वाला देखो, कि उसमें बना है ट्रायंगुलर प्रिज्म बना है, क्या बना है ट्रायंगुलर प्रिज्म, हाँ डी डी वाला दिख रहा है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म। थर्ड वाले में देखिए, स्क्वायर थर्ड वाले स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड में क्या आ जाएगा ए वाला, बेस स्क्वायर होना चाहिए। फोर्थ वाले का सी हो जाएगा क्योंकि वो कैसा है पेंटागोनल प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म है तो उसका सी हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर के बेस टॉप का बेस और बॉटम का बेस सेम है, देख लो आप। ठीक है अब आगे पढ़िए क्या लिखा है बेटा। रेक्टेंगुलर प्रिज्म नहीं लिखा है बेटा, ट्राइंगुलर। हाँ अब देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म मैं फिर से बनाऊं डॉटेड, चलो मैं बनाता हूं। देखिए बेटा नाइन्थ वाला, अब फिर से वो आगे पीछे हो गया है ना थोड़ा। ये डॉट्स दिख रहे हैं बोर्ड पर कि नहीं? हाँ देखिए बेटा आपको बनाना है ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो सबसे पहले ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, हमने दो बेस को, दो पॉइंट को जोड़ा, एक इधर एक इधर, हमने बना दिया। ठीक है ट्राइंगल कैसे बनाएंगे बेटा हम, फिर ट्राइंगल के बाद क्या क्या करना पड़ता है, ऐसी लाइन बनानी पड़ती है ना, ऐसी लाइन बनानी पड़ती है, ये बना दिया। फिर क्या करेंगे बेटा, यहां भी ट्राइंगल बनाएंगे, बना दिया, फिर इनको अपन ज्वाइन कर देंगे, ये कर दिया। ए किससे ज्वाइन, ए इससे ज्वाइन रहती है,
बस इस तरीके से बन जाएगा वो ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्योंकि ट्राइंगुलर प्रिज्म में देखो बेटा ऐसा होता है, इधर ट्राइंगल इधर ट्राइंगल, इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई, 1 मिनट, बस एक दूसरे से कट नहीं करने चाहिए बेटा, जो नेट होता है किसी का वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, ओवरलैप नहीं करना चाहिए, है ना, नेट की जो फिगर होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरीके से आपका बन सकता है ट्राइंगुलर प्रिज्म, मतलब ऊपर का टॉप भी ट्राइंगल दिखना चाहिए, नीचे का भी क्या दिखना चाहिए, ट्राइंगल दिखना चाहिए, समझ गया। लेकिन आपको कट नहीं करना है, एक दूसरे को कट नहीं करना है। चलो मैं बाकी कल करता हूं, ओके, थैंक यू। हुआ प्रेजेंट।